अब वह कुत्ता बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए वह वहीं पर लेट जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और सभी आराम से सो जाते हैं, लेकिन उसे काफी ठंड लग रही होती है। फिर तभी उसे वहाँ पर अपने मालिक का तंबू दिखाई देता है। तब वो अंदर जाता है और उस लड़की को धक्का देकर तंबू से बाहर कर देता है। जब लड़की उसे देखती है तो वो आराम से अपने नए मालिक से लिपटकर सो रहा होता है। लड़की उसे धक्का देकर वहाँ से भगा देती है। फिर उसे वहाँ पर एक दूसरा कुत्ता मिलता है जो बर्फ के गड्ढे में सो रहा था, इसलिए वह भी उस गड्ढे में सो जाता है। सुबह होने पर वो बर्फ से बाहर निकल आता है और गाड़ी को खींचने लगता है, लेकिन आज भी वो ढंग से नहीं चल पा रहा होता और बार बार गिर रहा होता है। फिर चिट्ठियाँ देते देते रात हो जाती है। तब उनका मालिक सभी को खाने के लिए मछली देता है, लेकिन उन कुत्तों का सरदार एक कुत्ते की मछली छीन लेता है, जिससे उसको उस पर दया आने लगती है। वो उसे अपनी मछली खाने के लिए दे देता है। अब धीरे धीरे वो बर्फ में चलना सीखने लगता है और आराम से उस बर्फ को पार करने लग जाता है और कुछ ही दिनों में वो उन सबके मुकाबले एक्सपर्ट बन जाता है। पार्ट 3 देखने के लिए लाइक और कमेंट करें।